And we have a go for auto sequence start. 2, 1, boost ignition and liftoff. तो दोस्तों, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम लोग स्पेस तक जा पहुंचे हैं। पर दोस्तों, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर एक लाइका नाम की डॉग ना होती, बिच ना होती, तो हम लोग स्पेस तक शायद ही पहुंच पाते। तो जी हाँ दोस्तों, एक डॉग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक डॉग क्या ही कर सकता है स्पेस जाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, और साथ ही साथ इस डॉग के साथ क्या हुआ और भी कई बाकी जानवर हैं जिनके साथ कुछ हुआ है, तो वही मैं इस वीडियो में दौरान आपको बताना चाहूँगा आज। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर याद रखें। तो दोस्तों, हमारे स्पेस पर जाने से पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे उस टाइम पे कि इंसानों को स्पेस में कैसे भेजा जा सकता है, क्योंकि किसी को भी एक पल का भी, 1% का भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी लिविंग क्रिएचर को अगर स्पेस में भेजेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे पड़े थे ताकि वो सबसे पहले स्पेस पर जा सकें। आप कुछ इस तरह से भी देख सकते कि उस टाइम पे स्पेस वॉर चल रही थी कि पहले कौन जाएगा, जहां सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट जीत और मेहनत पे लगे पड़े थे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी दोनों में से पहले कौन जाए और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा सकें, जिसके लिए छोटे छोटे पक्षियों से लेकर बड़े बड़े मंकीज तक को स्पेस में भेजा जा रहा था। लेकिन लाइका की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है दोस्तों, जहाँ इसे भेजा ही मरने के लिए गया था, क्योंकि सब लोगों को पता था कि जिस मिशन के लिए लाइका को भेजा जा रहा है वहाँ से आना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसकी शुरुआत जो दोस्तों हुई थी, वो हुई थी 1957 से 1957, और फिर एक सूटेबल डॉग की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि उस टाइम के स्पेस क्राफ्ट इतने ज़्यादा इनोवेटिव नहीं थे। तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि जो डॉग उनको चाहिए उसका जो वज़न है वो 15 पाउंड के आसपास होना चाहिए और वो 14 इंच का तक होना चाहिए हाइट में, क्योंकि अगर वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है हेल्दी या हाइट में तो वो स्पेस क्राफ्ट में फिट नहीं हो पाता। और स्पेस क्राफ्ट के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका ये कहना था कि जो पेडिग्री डॉग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस मिशन के लिए एक स्ट्रीट डॉग को, एक सड़क का डॉग को रिकमेंड किया, क्योंकि इनको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में रहने की आदत होती है। तो फिर सड़क के 3 कुत्तों को चुना गया जिनका वजन और साइज इस स्पेस क्राफ्ट के लिए एकदम परफेक्ट था। इनका नाम था एल्पिना, मुक्का और लाइका। इन तीनों को शुरुआत में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई ताकि इन तीनों में से डिसाइड हो सके कि इन तीनों में से कोई एक मिशन के लिए सूटेबल कौन सा रहेगा। और सारी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म होने के बाद लाइका को कंफर्म कर लिया गया। अब सुनने में कुछ चीज़ अजीब लगती है दोस्तों कि कई सारे लोगों ने अपने इस मिशन में हिस्सेदारी निभाई थी, क्योंकि किसी डॉग को मौत के मुँह में ढकेलने के लिए पूरी प्लानिंग करना कोई पत्थर दिल व्यक्ति ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो क्या आपको लगता है कि ये लोग डॉग को स्पेस में भेजते? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कोई अल्टरनेट रास्ता निकाला जा सके, डॉग की बजाय कुछ और भेजा जा सके या कुछ और हो सकता था? लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ एक डॉग को भेजना था ताकि वो मर जाए। तो फिर इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली, और इस मिशन से पहले एक रिसर्चर लाइका को अपने घर ले आया और फिर उसकी अच्छी खासी देखभाल की और उसको अच्छा खासा ट्रेन किया। और इस बेचारे डॉग को क्या पता था कि जहाँ इसको भेजा जा रहा है वहाँ से इसने लौटकर कभी वापस आना ही नहीं है। फिर सर्जन्स ने लाइका के रिब में एक ब्रीथिंग इंस्ट्रूमेंट फिट किया और इसकी बॉडी में एक पल्स सेंसर भी लगाया गया ताकि इसकी ज़िंदा रहने की इनको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और इस डॉग को जिस कैप्सूल में भेजा गया उसका साइज़ एक वॉशिंग मशीन जितना था, और इस कैप्सूल के अंदर एक ऑटोमेटिक फीडर के साथ एक एयर जनरेटेड डिवाइस भी था ताकि करीब करीब 7 दिनों तक लाइका जिंदा रह सके, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे इस डॉग की मौत हो ही जानी थी। क्योंकि दोस्तों, स्पुतनिक 2 को ऑटोमेटिकली लैंड करने के लिए डिज़ाइन किया ही नहीं गया था। तो दोस्तों, जब ये स्पेस क्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि जब ये टेक ऑफ करता है तो उस वक्त लाइका की जो हार्ट बीट है वो उस टाइम से, नॉर्मल टाइम से 3 गुना ज़्यादा तेज चल रही होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च होने की वजह से उस लाइका नाम के डॉग की हालत क्या हो रही होगी उस टाइम पे। हालांकि लॉन्च प्लान के मुताबिक नहीं किया, क्योंकि टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था,
जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो चुकी थी। तो आप इस बात को दोस्तों खुद सोच सकते हैं कि किसी का इतनी हाई टेम्परेचर में जीवित रहना कितना टफ होता होगा। और ऐसा ही हाल लाइका का था। ठीक 6 घंटे तक उसकी हार्ट बीट ठीक चलती रही और उसके बाद सडनली इंस्ट्रूमेंट ने कार्डिक अटैक को डिटेक्ट किया, यानी कि स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के ठीक 6 घंटे के अंदर ही लाइका की मौत हो गई। पर दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सोवियत यूनियन ने मानने को तैयार ही नहीं था कि लाइका नाम की डॉग टाइमलाइन से पहले ही डेड हो चुकी थी। इन्होंने बस इतना ही बोला कि ऑपरेशन फेल्ड हो गया। और हैरानी कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब लाइका की मौत हुई तो किसी को पता ही नहीं चला। इस मिशन की ऑफिशियल जानकारी 9 दिनों बाद दी गई, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर ब्लेम लेना नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन ने सेल्फिश होकर एक डॉग की जान ले ली। तो दोस्तों आप कुछ भी कहिए या कुछ भी सोचिए, पर यह चीज़ गलत तो थी ही, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्पेस में जाना बहुत बड़ी बात है, पर उसके चक्कर में किसी भी लिविंग थिंग की जान लेना बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों जब ये चीज़ लोगों को पब्लिक में पता चली तो लाइका के बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, और इसकी वजह से जनता और भी ज़्यादा भड़क गई और दुनिया भर में इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। और दोस्तों हद तो तब हो गई जब लाइका की मौत के बाद 5 महीने बाद भी उसकी बॉडी वहीं पर तकलीफ सह रही थी। तो आप दोस्तों सोच सकते हैं इस बारे में कि लाइका की मौत हो चुकी है और उसके बाद भी उसकी बॉडी को इतने लंबे टाइम तक तकलीफ होती रही होगी, जो कहीं से भी सही नहीं था। और उस समय तो दोस्तों देखिए हर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पीछे हट रहा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों को समझ आने लगा कि इंसानों के हित के लिए जानवरों की बलि चढ़ाना बहुत गलत बात है। इसीलिए सोवियत यूनियन ने इसकी फ़ोटो वाली सिगरेट रिलीज़ की, वो भी तब जब लोगों को पता चला कि सोवियत यूनियन द्वारा ऐसी हरकत की गई है। इसलिए उन्होंने यह सिगरेट तो लॉन्च की ही थी, और इसके साथ साथ उन्होंने कई जगहों पर लाइका के मॉन्यूमेंट्स बनाए। पर दोस्तों लाइका एक अकेला ऐसा एनिमल नहीं है जिसने इंसानों को स्पेस में पहुंचाने के लिए अपनी जान दी, क्योंकि अगर दोस्तों हम ऑफिशियल डेटा की बात करें तो 1947 से लेकर 1961 तक 48 डॉग्स, 15 मंकीज और 2 रैबिट्स को स्पेस में भेजा गया था। इनमें से 27 एनिमल्स की तो अलग अलग कारणों से मौत हो गई। इनमें से काफ़ी खुशकिस्मत भी थे जो अपनी स्पेस जर्नी कंप्लीट करके वापस घर भी आए। उदाहरण के तौर पर आप बेलका एंड स्टेलका को ले लीजिए, जो 24 घंटों तक स्पेस जर्नी पर गए एंड वापस भी लौट आए। और तो और दोस्तों 6 महीने बाद स्टेलका ने 6 बच्चों को जन्म भी दिया। और तो और इन दोनों डॉग्स की लाइफ भी बहुत अच्छी गई, क्योंकि इनको स्टेट रिसर्च एंड टेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन में रखा गया। और इनकी मौत भी काफ़ी अच्छी उम्र में हुई, यानी कि इन्होंने काफ़ी हेल्दी लाइफ भी जी। और दोस्तों सोवियत यूनियन ही नहीं थे जिन्होंने जानवरों को स्पेस में भेजा, बल्कि 1950 में रैट्स को यानी चूहों को भी स्पेस में भेजा गया था, जिसमें कुछ मिशन सक्सेसफुल रहे और कुछ अनसक्सेसफुल। यानी कि हम इंसानों की स्पेस यात्रा को पॉसिबल करने में चूहों का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। अब इनमें से दोस्तों देखिए किसी का नाम तो नहीं पता, इस वजह से ये लोग इतने फेमस नहीं हैं, वरना दोस्तों इन्होंने भी कुछ कम कमाल नहीं दिखाया था। लेकिन हाँ दोस्तों, हम इनमें से एक फेमस एनिमल के बारे में आपको ज़रूर बता सकते हैं जिसने वाकई में तहलका मचा के रख दिया था। और दोस्तों वो कोई और नहीं, एक हैम नाम का चिंपैंजी था, जिसने दोस्तों साबित किया कि स्पेस मिशन के दौरान कॉन्शियस रहा जा सकता है और बल्कि साथ में कुछ टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। असल में दोस्तों हैम को पहले ही लाइट और साउंड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना सिखा दिया था, जिसमें हैम को 1961 में सब ऑर्बिटल फ्लाइट में स्पेस भेजा गया। और इस पूरे मिशन में हैम ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया और ये मिशन भी सक्सेसफुल रहा। और इसके बाद हैम नाम के इस चिंपैंजी को जू में रखा गया, जहाँ पर इसने बड़े मज़े से 17 साल बिताए। इन 17 सालों में कई बार ये कई टेलीविज़न और फिल्मों में भी नज़र आया, क्योंकि इस मिशन के बाद यह मंकी या चिंपैंजी एक सेलिब्रिटी की तरह ज़िंदगी बिता रहा था, जहाँ लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि 26 साल की उम्र में ही हैम की मौत हो गई थी, और जब हैम मरा तो लोगों ने इसकी मौत के बाद भी इसको काफ़ी सम्मान दिया, जहाँ इसे न्यू मैक्सिको ऑफ स्पेस हिस्ट्री में दफनाया गया और आज भी लोग इसे बहुत प्यार से याद करते हैं। दोस्तों इनके अलावा भी कई सारे जानवरों को स्पेस मिशन में भेजा गया,
तब जाकर किसी इंसान की स्पेस में जाने की हिम्मत हुई। हालांकि इनमें से कुछ मिशन सक्सेसफुल हुए और कुछ अनसक्सेसफुल, लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि हम इंसानों की सक्सेस में इन जानवरों की जान लेना सही था। अपने विचार कमेंटों में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।